गुड इवनिंग योड़ी बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिस मुकेश मुकेशनिक चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी वाली चीज हम लोगों ने स्टार्ट की है वो है एक लव बैच इसमें दिनेश सर मैथ्स और मुकेश सर यहां पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बच्चों हम लोग क्वेश्चन लेके आने वाले फिलहाल में हम लोग आपको खाली ट्रैक पे लाने की कोशिश करें मतलब एक बार ट्रैक पे ला लिया ना बाद में देखो आप लोगों के लिए हम लोग एक से बढ़ या एक एक सवाल लेके आने वाले लेकिन तब तक ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी है इसलिए मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश करूंगा आपको आठ दस दिन तो इसमें सबसे पहले वेहीकल अलॉन्ग दॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक है बच्चों मतलब जो रोड पे होता है ना हमारे रोड पे ये हॉरिजेंटल है लेकिन सर्कुलर ट्रैक ऐसे ऐसे अब ये वर्टिकल है मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको लगेगा ये तो ये अब तो वर्टिकल है लोग ऐसे ही सोचते हैं मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं क्या करते बच्चे बच्चे को लगता है यार ये तो वर्टिकल है सर सर हॉरिजेंटल क्यों बता रहे हॉरिजेंटल मतलब बोर्ड में घुसना चाहिए ऐसे घुसा तो नहीं सकता अंदर है ना तो इसलिए सोच समझ कर थोड़ा ठीक है एक्चुअल में बच्चों ये जो है हमारे बुक्स में जो डायग्राम है यह सिंपल यहां से ये सेंटर है समझो ये सेंटर पे गड्डी ऐसे घूम रही है एक्चुअल में ऐसे 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 अगर ये तो, ऐसे। ऐसे। तो यहां से हमारी गड्डी है बच्चों यहां पे ये गड्डी है और ये इसके ये टायर है कितनी दूर है और आपकी बोर्ड की बुक्स में दी वाली चीज है सही बच्चों इसका जो नीचे वेट होगा बच्चों गड्डी का वो होगा यमजी ये भी रोड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता उसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स बस समझ में आ रही है अब एक्चुअल में यहां पे हम लोग थ्री डी डायग्राम देख रहे हैं ऐसा कंसिडर करो एक्चुअल में बच्चों ये रोड ऐसा है जुम, ये जुम, ये सर्कुलर ट्रैक है ऐसे और इसका रेडियस है मतलब बच्चों यहां कहीं ये यह ऐसे कही देखो तो ये यहां से जो गड्डी है यहां पे आर, देखो पर ठीक है यहां पे गड्डी है मेरी अरे गड्डी चल रही है एसी ये चल रही है एसी झूम ये इसकी वेलोसिटी होगी इसका रेडियस है बच्चों ओके सर जब भी हम लोग टर्न पे गड्डी चलाते हैं तब क्या फीलिंग आती है ऐसा लगता है कि मुझे इधर कोई खेच रहा आदमी इधर ऐसे ऐसे, झूम ऐसे देखो ऐसे है ना मतलब अपनी सीट छोड़ के थोड़ा सा ऐसे किसी ने पुषप किया हो या कोई खेच रहा हो इधर वाला ऐसी एक फीलिंग आती है तब बच्चे फीलिंग आती है तब इसके ऊपर कोई बंदा बैठा हो इस गड्डी पे या गड्डी के अंदर भी उसको एक फीलिंग आएगी कि मुझे कोई खेच रहा हो तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है हाँ सर कल का लेक्चर तो कोई अगर बाहर खेच रहा हो तब फोर्स लगती है यम आर ओमेगा स्क्वायर या इसी को कहेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं या यम वी स्क्वेयर बाय आर इसका नाम दिया था हमने सेंट्रीफ्यूगल याद है क्या अरे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों जब एक्सेलरेशन हो देखो मैं गड्डी में बैठ रहा था पहले जा रहा था जुम्म ऐसे एकदम टर्न आ गया ऐसे जाऊंगा तब इधर से कोई मुझे खींचेगा जुम्म जुम, ऐसे तो मैं ऐसे हो जाऊंगा मतलब एक्सेलरेशन एक्सेलेशन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है मेरे भाई आ, अच्छी बात है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले मैंने लिखा है क्या बच्चों तो भी टर्म पे हम लोग एकदम बाहर जाते हैं क्या इसको बचाने के लिए एक फोर्स लगेगी कौन बचाएगा सर भगवान जी आएंगे हाँ या मैं आऊं चलो मैं ही आता हूं चलो कैसे देखो जब ये इधर गड्डी जा रही है तब इधर एक फोर्स लगेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन 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 पता है ना आपको लिमिटिंग वाला फोर्स लगता है मतलब बच्चों यहां पे फोर्स लगेगा वो भी फ्रिक्शन वाला मतलब मेरी गड्डी इधर जाएगी देखो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में जो हो रहा है उसको अपोज करना है काम है काम भैया मैं पढ़ा रहा हूं कॉमेंट डाल डाल रहा हूं अपोज कर रो ये पढ़ाने के लिए करते है ना ऐसे लाइव में करते मैंने देखा है कल आ, वैसे ये गड्डी इधर जा रही थी तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को अपोज तो मेरी गड्डी इधर जाएगी ये बचाएगा बोले रुक 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 भैया मैं रुक दूंगा तुझे मैं होना ये रोक देगा कौन इसका नाम है बच्चों फ्रिक्शन और ये जो फ्रिक्शन है बच्चों ये फ्रिक्शन हमेशा ध्यान रखना है ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस

जो लोग लेते हैं गड्डी चलाते हैं इतनी फास्ट चलाते हैं कि इस फ्रिक्शन की सुनते नहीं है इसलिए वो खड्डे में जाते हैं गड्डी सीधा खड्डे में जाएगी इधर क्यों भैया क्योंकि बच्चा यहां पे ये जो फ्रिक्शन थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अपने क्या किया लिमिट पार कर दो है ना लिमिट पार कर दिया अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ गई इसलिए वो ये इस फ्रिक्शन नहीं बचाएगा फिर कभी कभी होता हमारी गड्डी खड्डे में जाने का रीजन ये है कि ये फोर्स इस स्पीड को रोक नहीं पाता या सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से बच्चों ये फोर्स कम हो गया है अगर अपने यहां पे ये यह फोर्स ज्यादा हो इस फोर्स से मतलब ये जो फोर्स है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो इसको ये फोर्स ज्यादा होगा इस फोर्स से यम आर ओमेगा स्क्वायर या मेरी बात समझ में आ रही है फोर्स से ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए तो ही मैं मेरा टर्न सक्सेसफुली ले पाऊंगा नहीं तो नहीं मेरे भाई लोग समझे चलो आगे बढ़ना बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं चलो फटाफट फटाफट बढ़ते हैं देखो ये force, ये फोर्स फोर्स ओके सर दूसरी बात सर ये जो नॉर्मल फोर्स है ये है यमजी बैलेंस कर रहा है देखो यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं ये इसको मतलब ये बी -डी बोलते है।, बी -डी। है ना फ्री बॉडी डायग्राम कहते ये निकाल दी देखो यहां पे अगर हॉरिजेंटल सरफेस पे ले लू तो नीचे ऊपर है इसलिए मेरा रोड पे गड्डी चलती है मेरी ओके सर कोई टेंशन नहीं है इज इक्वल इक्वल टू टू और ग्रेटर देन बोलो हम लोग बुक्स में लिखा है कोई टेंशन नहीं है तो या फस इज इक्वल टू लिख सकता हूं यम आर ओमेगा स्क्वेयर स्क्वायर बाय आर ये फोर्स इसको बचाने में ज्यादा या इक्वल टू चाहिए मैंने इक्वल टू लिया एक काम करते सर इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू मुझे v निकालना मैक्सिमम स्पीड कितनी है एंगुलर भी निकाल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं चलो तो मैं काम करता हूं first by second, देखो सॉरी सेकंड करता हूं यहां पे लिखते हैं और ये है बच्चों बच्चो यम जी, समझ में आ रहा है बच्चों ये की वैल्यू है और ये यन की वैल्यू यम, यम मर गया बच्चों ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं ये जो फोर्स होता है ये होता है पता है पता ना लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा आप लोगों तो, बा तो बा बात तो सही हो रही है ना कोई टेंशन नहीं होना चाहिए तो बच्चों यहां पे येन से येन को मरवा दो तो यहां पर देर फोर्स मीएसल डिड बाई आर जे और ये स्पीड कितनी मैक्सिमम स्पीड ले रहे हैं हम लोग कितनी हो सकती है निकालना है चलो बच्चो देर मुझे वी मैक्स निकालना है इज इक्वल टू इधर गेट रूट ऑफ आर जी म्यूएस कुछ भी तो वी मैक्स ये रूट में आने वाला है म्यूएस मतलब बच्चों अगर आप लोगों को यहां पे इस व्हीकल की स्पीड कहां पे सर्कुलर ट्रैक पे मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम तो इतनी रह सकते अगर इससे ज्यादा आपकी स्पीड होगी, तो आप अपने खड्डे में जाओगे। 31st अभी संभाल करें ना। सभी लोगों को मैं, मतलब बता रहा हूं पहले से। तो बाद पढ़ा रहा हूं रात के पहले सात बज रहे अभी आठ बजने के बाद जा सकते ना आप लोग बाहर इसलिए स्पीड इससे ज्यादा नहीं अगर आपकी मैक्सिमम स्पीड बढ़ानी है पहले स्पीड थी सर मेरी यहां पे पचास किलोमीटर पर आवर रख सकता हूं ज्यादा होगी क्या तीस किलोमीटर पर आवर अपनी चाह मेरी गाड़ी खड्डे में भी नहीं जाना चाहिए और यहां पे स्पीड भी मेंटेन होना चाहिए ज्यादा चाहिए मुझे चालीस चाहिए कर सकते भैया तो भी खड्डे में नहीं जाओगे क्या ये बढ़ा दो यस फ्रिक्शन बढ़ा दो कैसे बढ़ाएंगे सर रोड का जो आ, एक तो आपके जो टायर है टायर टायर बढ़ा ले लो यार रोड का सरफेस ये होना चाहिए कैसे रफ होना चाहिए थोड़ा तो आपकी स्पीड बढ़ा सकते कोई टेंशन नहीं अदरवाइज ये जो रेडियस है देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों इसको बढ़ा ले लो ऐसे जूम बड़ा ये जैसे छोटा निकाला ऐसे जूम ये बढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा ले लो मतलब आर बढ़ा सकते हो या मीडियस फ्रिक्शन दोनों बढ़ा दो तो आपकी वी मैक्सिमम यहां पे बढ़ा सकते हैं 30 से 40 कर सकते हैं 40 से 50 किलोमीटर पर आरबी स्पीड रखी तो भी आपकी गड्डी खड्डे में नहीं जाएगी बच्चों कई कई लोग बोलते हैं कि सर इसको आर ओमेगा ओमेगा के फॉर्म में दिखाओ ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी गोल घूम रही इसलिए तो लिख सकते हैं मेरे भाई लोग म्यू एस आर जी यहां पे ओमेगा ये म्यू एस आर जी डिवाइडेड बाय

तो मर जाओगे बढ़ा सकते लेकिन उसके लिए फ्रिक्शन बढ़ाना है और रेडियस ऑफ गायरेशन सॉरी <laughs> रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल करा दिया। बड़ा। तो वी बड़ा सकते हो बात समझ में आ रही है चलो आप मौत का कुआ नेक्स्ट क्लियर करेंगे बच्चों जो मौत का कुआ है कुआ का कुआ देखो हम लोग नहीं क्या कभी मेले होते हैं वहां पे जाते हैं हम लोग तो वहां पे नहीं क्या एक वेल होती है मतलब कुआ जैसे और वहां पे अंदर ही ना मोटरसाइकिल फोर व्हीलर वाले ऐसे घूमते याद आ रहा है कुछ हाँ वही चलो तो कैसे करते हैं देखते हैं सबसे पहले बच्चों हम लोग मौत का कुआ निकालते हैं Actually, में मौत का कुआ थोड़ा सा अलग होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो थियोर ठीक है कैसे होता है मैं बताता हूं ग्लास कैसे होते बच्चों कुछ ग्लास होते ना ऐसे ऐसे थोड़े देखो जान ऊपर का जो सर्कल है बड़ा और नीचे वाला छोटा होना चाहिए थोड़ा सपोर्ट करते ऐसे ही ही। ये ये इधर इधर क्योंकि फोर्स लगने के कारण यहां पे बैलेंस हो जाती है कुछ ठीक है ना एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसे होते हैं हम लोग ऐसे पढ़ते गलत है मेरे ख्याल से तो पढ़ना ऐसे चाहिए आप मजा आता लेकिन कुछ फिजिक्स के ऑल भी लॉज लगेंगे यहां पर और कुछ चीजें हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगी इसलिए इसको डायरेक्टली पढ़ मुझे बताओ क्या करेंगे यहां पर घूमने कार कार का कारण क्या हो सकता है ये हम लोगों और इसकी ये गिर रहा क्यों नहीं नीचे कोई चीज अगर यहां पे मैं बोर्ड पे इस मार्कर को रोकू तो गिर रहा यह सही और गिरना भी चाहिए वैसे ये बंदा क्यों नहीं नीचे गिर रहा है क्या रीजन है क्या यहां पे फिजिक्स इस्तेमाल की उसने देखते हैं चलो सबसे पहले बच्चों इसके वेट के कारण वो नीचे आना चाहिए था mg लेकिन इसको बचा कौन रहा है तो सबसे पहले बच्चों वो बात करते हैं इसको बचा रहा है फ्रिक्शन फोर्स fs मतलब इस mg से fs इक्वल टू होगी इसलिए बंदा बच रहा है मतलब जैसे मेरा हाथ नीचे आ रहा है नीचे लेकिन मेरे ऊपर एक फोर्स लग रही ऊपर कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स और मेरा हाथ आते आते थम गया क्यों थम गया तो आपने पूछा सर ये हाथ थमने का रीजन क्या है तो ऊपर जो फोर्स लग रही है ये नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगी इसलिए रुक गया बेचारा वेरी गुड आंसर समझ में आ रहा है नीचे वाला जो वेट था वो ऊपर वाला जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का काम किया था जो हो रहा है उसको आपस करो जो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है ये वैसे ही आपोज कर रहा है ओके okay, सर दो फोर्स समझ में आएगी लेकिन सर ये बंदा गोल्फ घूमने का कारण क्या है बच्चों मुझे बताओ कोई हॉरिजेंटल सरफेस पे कोई भी चीज रखते हो आप लोग तो उसके ऊपर ये जो सरफेस है ये सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाता है और नीचे जो वेट है यम इसलिए हम लोग यन इज इक्वल टू यम लिख सकते हैं। अगर यहां द... दलदल <coughs> दल होती दलदल दलदल दल पता है उसमें चीज डालो तो अंदर जाती है जाती है जाती है बच्चे नॉर्मल फोर्स नहीं लगा पाती क्योंकि ये सॉलिड पार्ट रहा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है वैसे ये भी वाल है ये वाल है और ये वाल इसके ऊपर लगाती होगी नॉर्मल फोर्स याद आ रहा है सर कब आपने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स में रस्सी हाथ में ली थी एक पत्थर घूम रहा था और ये जो गोल घूम रहा था इसको हम लोग कहते थे सेंट्री पिटल फोर्स लेकिन सेंट्री पिटल फोर्स ये कोई ओरिजिन फोर्स नहीं है ये किसी के कारण तैयार हुई फोर्स थी तो ये फोर्स थी टेंशन के कारण मतलब सेंट्री पिटल फोर्स तैयार होती है होती है लेकिन उसके लिए कोई कॉज होता है कोई रीजन होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी याद आ रहा होगा कल दूसरा एक रिवॉल्व अराउंड द सन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बच्चों यहां पे भी सेंट्रिफिटल फोर्स हो रही है लेकिन इस नॉर्मल के कारण मतलब बच्चों यहां पे नॉर्मल के कारण यहां पर फोर्स लग रही है सेंट्रिफिटल फोर्स नॉर्मल रीजनेबल कॉज है

काम नहीं बनेगा ना नीचे गिर जाएगी चीज अच्छी बात है तो ये डालो चलो मैं यहां पे की वैल्यू डाल रहा हूं ठीक है यहां पे लिख सकते। ठीक है की मेरे पास यम वी स्क्त बाय आर तो यम से यम को मारवा दो समझ में आ रही कोई भी चीज देर फोर्थ यहां पर मैं लिख सकता हूं वी स्क्वे ठीक है यहां पे ये सिंबल है या इक्वल टू का भी सिंबल लिख सकता हूं तो ये आर इधर गया बच्चों तो आरजी बनेगा देखो समझ में आ रहा है आर जी इधर गया ये मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा यस अगर ये गया बच्चों तो इसका मुझे रूट में डाल सकता स्क्वायर गया तो मतलब ये बच्चों यहां पे मुझे ये पूरा लिखने का अधिकार होगा कि यहां पर लेकिन ये मिनिमम स्पीड मतलब बच्चों इससे कम स्पीड है ना v, e ये जो है बच्चों यहां पे आप लोगों को एक लिखने का पूरा अधिकार मिनिमम क्यों है अगर इसकी स्पीड ये गड्डी की अगर मैंने स्लो जैसे एग्जाम्पल एक 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 मानता हूं इसकी मिनिमम स्पीड है समझो फॉर एग्जांपल पचास मीटर प्रति सेकंड अगर आपने दस मीटर पर सेकंड से ऐसी इस वाल पे घूमना चालू कर दिया जुम, 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 तो आपकी गड्डी नीचे गिर जाएगी आप घूम नहीं पाओगे गोल गोल समझे अगर मैंने यहां पे करवा दी तीस मीटर प्रति सेकंड तो भी नहीं घूमेंगे हा कम से कम इतनी अगर पचास स्पीड करोगे तो घूमोगे ऐसे हाँ पचास के ऊपर चलेगी मतलब किसी ने बताया सर मैं सत्तर मीटर प्रति सेकंड से घूमता हूं तो बिल्कुल घूम सकते हैं बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से लेकिन पचास के तो नीचे 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 तो पचा, चलेगी, चलेगी। चलो सर मैं हजार मीटर प्रति सेकंड घूमूगा क्या नहीं तो बाहर निकल के आओगे भैया झुमझुम करते 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 बाहर निकलोगे नहीं तो तोड़ दोगे इस वाल को क्योंकि ये तो लकड़ी से बनी वाली रहती है समझे क्या इस चीजों को समझना आपको ये मिनिमम समझ में आ रहा है और ये अगर आप लोग आपकी स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है मिनिमम टू मिनिमम स्पीड रखनी है और भी तो नहीं इसको बढ़ा दो फ्रिक्शन बढ़ा दो ये बढ़ने से ये और भी कम हो गया अरे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि यार 50 स्पीड बहुत ज्यादा होगी मुझे मैं तो चाहता हूं मिनिमम से मिनिमम 10 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए कर सकते हो कोई टेंशन नहीं आपका जो गड्डी का टायर है टायर बड़ा कर दो तो। मतलब फ्रिक्शन बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ने से इसकी वैल्यू कम होती कम स्पीड पे हम लोग गड्डी चलाना चाहते हैं इस पे की पे मौत के तो चला सकते हो इसको कर। इसका रेडियस कम कर दो <laughs> चीज इंपॉर्टेंस है मेरे भाई लोग यही फार्मूले आप लोगों को अच्छी तरह से करके रखना है ये फार्मूला रख सकते हो इसके अलावा देखो पहले ये मैक्सिमम के लिए सर्कुलर ट्रैक रहे तो मौत का के लिए मिनिमम के लिए यह फार्मूला इसके अलावा और भी लिख सकता हूं आर ओमेगा रिलेशन बिटवीन पता है ना ये कहां से आता है ओमेगा ओमेगा पहला लेक्चर तो Rg minus, तो द रूट ऑफ आर जी मी या आर स्कवायर डिवाइड आने की बात आर से आर मरवा दो तो ओमेगा इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बात आप लोग लिख सकते हो मू एस आर तो ये चार फार्मूले आप लोगों को मौत क्यों कुछ देखो इसमें इसका उमेगा और इसके उमेगा में क्या है, मीवेस गया। है, मीवेस है आ गया हो, है है ध्यान देना ये जो सर्कुलर हॉरिजेंटल ट्रैक हो तो ये फार्मूले जब मौत की कुएं की बात हो देखो ये वर्टिकल है वर्टिकल, है, वर्टिकल है। ये खड़ी वाली चीज है ऐसे बोर्ड पे जैसे निकाल रहा ऐसे लेकिन जो रोड पे होते अपनी तब ये फार्मूले हम पर लिखे ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को सबसे मेन इंपॉर्टेंस जब भी अपने रोड होते हैं ना रोड जो गड्डी चलाते हैं हम लोग वो हॉरीजेंटल रोड हो तब हम लोग मैक्सिमम स्पीड कितनी निकाल सकते हैं तो म्यू आर जी ठीक है या ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ म्यूस जी बाय आर एंगुलर वाला सेट ठीक थी, है ये फार्मूले बच्चों हॉरीजेंटल सर्कुलर ट्रैक मेरी बात समझ में आ रही है अगर अगर आप मौत के कुएं में हो वर्टिकल बोल सकते हो उसको मौत का कुआ इसके ऊपर एग्जाम्पल कमी होते क्योंकि हम लोग मौत के कुएं में मौत नहीं देना चाहते ठीक है तब बच्चों ये वी मिनिमम होती है कम से कम स्पीड होती है हमारी यहां पे आर जी बाई म्यू या ओमेगा इज इक्वल टू दी बाई म्यू आर ये यस yes लगा सकते ठीक है समझ में आ रहे बच्चों इन दोनों बातों को आपने दिमाग के अंदर बैठाना है क्यों सर क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल लेना है ना इसलिए तो चलो बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल आपके लिए मौजूद है ये आपके स्क्रीन पर बॉडी इज केप्ट ऑन हॉरिजेंटल डिस्क ऑफ रेडियस रेडियस दे वाला है टू मीटर एट डिस्टेंस ऑफ वन मीटर नहीं ये इसका डिस्क का रेडियस है ध्यान देना इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है फ्रॉम द सेंटर द ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस ऑफ डिस्क इज पॉइंट फोर फ्रिक्शन वाला है द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क एट विच द बॉडी स्टार्ट स्लीपिंग इज मतलब बच्चों आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और सबसे मेन यहां पे एक बात ध्यान रखनी है ओमेगा निकालना लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बताया गया है ऐसे कोई ऑफ फ्रिक्शन दे है स्पीड ऑफ रोटेशन रोटेशन मतलब गोल घूमने वाली जुप 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 तो वो स्लिप कब होगी जुप कुन ऐसे बाहर तो एंगुलर गोल घूम रही है चलो बच्चों सबसे मेन यहां पर आर वन मीटर है सर रेडियस तो दिया है यहां पर फंस गए ना बच्चों ये है सर्कुलर ट्रैक जैसे देखो हॉरिजेंटल था ये डिस्क ऑफ रेडियस इस डिस्क की रेडियस है दो मीटर समझे दो मीटर एट द डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम सेंटर इस सेंटर से वन मीटर पे, इसको गुल मत ये आर लेते रेडियस ऑफ कर्मेचर लेते बच्चों रोड का स जाते मुझे पता है सही सही बच्चा है, वो है मेरे पास जीरो प्रॉब्लम नहीं स्पीड निकालनी है और जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट ना लिखते हो टेन लिखना है चलो ओमेगा अभी अभी फार्मूला लिखा था मैंने याद है आप लोगों को यहां पर मीवियस जी बायर यही फार्मूला है आपके पास डायरेक्टली फार्मूला रखना है तो यहाँ पे मीडिया से मेरे पास फोर इंटू टेन टू माइनस वन ये टेन बच्चों कितना सिंपल है ये टेन टू माइनस वन ये प्लस वन खा ले रहा है ये और रूट ऑफ फोर की वैल्यू टू होती है टू रेडियन पर सेकंड इतना इजी होता है हाँ होता है बच्चों कभी कभी एग्जाम्पल इतने सिंपल होते हैं लेकिन गलत क्या हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है हम लोग को रेडियस ऑफ डिस्ट नहीं लेनी थी यही तो यहां पे एक ही मिक्स था इसलिए मैंने एग्जांपल जानबूझ कर दिया आपका बच्चों मैं ट्रैक थोड़ा चेंज कर रहा हूं अभी हां कंफ्यूज फिजिक्स में इसलिए फंसते हैं बच्चे मुझे पता है इसलिए तो एग्जांपल दिया नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे सेकंड देखो अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन दियाला 0.4 व्हाट शुड बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है रेडियन पर सेकंड इफ इट इज द नॉट स्लीप फ्रॉम द सरफेस। मतलब स्लिप नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चों, सेम सेम टू कुछ नहीं है खाली गिवन डेटा लिख दो पहले सबसे पहले मेरे पास क्या वाला है तो सबसे पहले सबसे पहले रेडियस फाइव मीटर वाला बच्चों फोर इंटू टेन माइनस वन लिखो बच्चों शिफ्ट करके लिख रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी निकालनी ओमेगा रूट ऑफ पहले जैसे फार्मूला सेम म्यू एस जी बाय आर म्यू कितना है फोर इंटू टेन रेस माइनस वन जी कितना है बच्चों अब यहां पे नहीं दिया तो नाइन पॉइंट एट दिया हो तो टेन इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे दिया है क्या नहीं दिया है डिवाइडेड बाय आर कितना है फाइव है चलो ओमेगा यहां पर दोनों का मल्टीप्लीस फोर एटी टू थ्री कैरी फोर नाइन सिक्स फाइव चलो डिवीजन आता है सभी लोगों को सिंपल सा डिवीजन है ज्यादा कुछ बड़ा डिवीजन नहीं यहां पर आपके सामने रहा यह डिवीजन और यहां पर सिंपल सी बातें मैंने बोलता पांच मीटर लिखा है कुछ गलत लिखा है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यहां पे पचास है इसलिए मेरा गलत आ रहा था हाँ यहां पचास है पचास पचास समझते बच्चों टेन रेस टू वन होगा और इसी स्टेप को मैं कर सकता हूं ऐसे थर्टी नाइन पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू माइनस टू डिवाइड बाई फाइव समझे ये टेन रेस टू प्लस वन ऊपर गिरने के बाद माइनस चलो डिविजन आता है सबको फाइव सेवन जा थर्टी यहां पे बचे बच्चों कितने बयालीस क्या है ना ओके बयालीस हो गए एट जा, और जा कुछ सही है ना रिविजन तो आता है ना सबको टेन टू माइनस टू आपको समझ में आ रहा है कुछ मुझे बताओ ये ट्वेंटी एट का स्क्वेयर जैसे स्क्वायर लग रहा है कि नहीं आये। अरे अगर इसका पॉइंट शिफ्ट किया जाए तो आप लोगों को ऐसा लगेगा सेवन एट फाइव इंटू टेन टू माइनस फोर कर सकता हूं मैं कोई शक समझ में आ रहा है आप लोगों को लेकिन ये जो है ना ये ट्वेंटी एट का स्क्वायर लग रहा है कि नहीं देखो ना सेवन एट फोर होता है ठीक है ना अरे अट्ठाइस का स्क्वायर तो आता होगा ना मतलब बच्चों यहां पे ये है ट्वेंटी एट और हमेशा पावर जो होगा उसके आधे इसलिए इवन नंबर बनाना है इवन में जब मतलब दो चार छह तो मैंने देखो चार जानबुझ कर रखा है समझे क्या ये पॉइंट शिफ्ट कर लो शिफ्ट करने का तरीका क्या होगा कितने से दो से तो 0.28 क्या आंसर है मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट है सिंपल मेथड बच्चों टेंशन नहीं लेनी है खाली आप लोगों को ध्यान देना है बस नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास थर्ड और फोर्थ फटाक से सॉल्व करके दिखाना पहले पहला आंसर देना बाद में बच्चों कोज करना है चलो मैं हट रहा हूं कॉज करना देखो इस क्वेश्चन को कॉज करके सॉल्व करना है मैं तो कर रहा हूं सवाल चलो वन टू थ्री फोर चलो मैं सॉल्व करके दे रहा हूं सबसे पहले सवाल है आपके पास अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्टैटिक फ्रिक्शन दे वाला जीरो पॉइंट टू इफ रेडियस थ्रू विच द बॉडी रिवॉल्व इज हंड्रेड मीटर कितने हंड्रेड मीटर एंड आपको G की वैल्यू दे तो देन मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी यह yes, सवाल 2004 के एग्जाम में आ चुका है

मसला ये टेंडर्स टू प्लस टू और जी है टेंडर्स टू वन नहीं 9.8 रखो बोलता है ठीक है 9.8 रखते हैं बोला है उन्होंने 9.8 ठीक है ना तो वी मैक्स देखो सोच लो थोड़ा सा कि ये बन रहा है यहां पे इनका मल्टिपिकेशन 19.6 आता है ना यार टू एट्स का टेबल बन गया ये है ना यहां पे 18 ये 19 ठीक है ये टेन रेस टू वन समझ में आ रहा है बच्चों अरे माइनस वन टेन रेस टू माइ प्लस टू से गए तो एक ही रहेगा और ये शिफ्ट करो 196 नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट शिफ्टिंग है बच्चों तो v मैक्स सबको रूट आता होगा इतने छोटे बच्चे तो नहीं है 14 का रूट से मीटर प्रति सेकंड क्या ये जवाब है हमारे पास आंसर है चौदह ए नंबर का आंसर इज करेक्ट कितना सिंपल है एक बात बताओ बच्चों आप लोगों को कैलकुलेशन करनी ही नहीं है क्यों सर सिंपल सी थोड़ा लॉजिक लगा दो अब ये हमेशा हमेशा आता नाइनटी एट मल्टीप्लाई टू सिंपल नाइनटी सिक्स पावर का मसला कर लो ठीक है या यहां पे पावर करो देखो एक गया गया 2, 2 में से -1 गया, तो 10 2, 1, 10 1 मेरे भाई लोग कैलकुलेशन नहीं करना अरे कैलकुलेशन कैसे करोगे यहां पे करने की जरूरत ही नहीं रहा इतना सिंपल चीजों को हम लोगों को हाउ टू जंप द डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं कैलकुलेशन इसकी आदत लगानी देखो प्रैक्टिस 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 दुनिया में बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है भैया ठीक है इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ रोड टर्न ऑफ रेडियस थर्टी मीटर तीस मीटर वाला है कोई ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ये बच्चों महाराष्ट्र की सीटी नाइनटीन नाइनटी एट में और सीबीएसई के पी एम टी में दो हजार में सवाल आ चुका है अच्छी बात है सर। बहुत चलो तो गिवन क्या दी वाला है तीस मीटर म्यू क्या दी वाला है फोर इंटू टेन टू माइनस वन शिफ्टिंग करो यार थोड़ा अच्छे जाता है कैलकुलेशन इजी जाता है बाकी दूसरा कोच नहीं होता है वी मैक्स निकालना है यहां पे आप लोगों को जी की वैल्यू दी नहीं है तो जी की वैल्यू जब जब नहीं देते हैं तब तब याद रखना जी की वैल्यू देना चाहिए थी नहीं दिए ठीक है ले लेते कैलकुलेशन के बेसिस पे लेते चलो सर तो सबसे पहले म्यू आर जी वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है तो रूट म्यू की वैल्यू है फोर इंटू टेन टू माइनस वन ये है थर्टी और ये है बच्चों मेरे पास यहां पे इसको टेन लेते हैं नाइन पॉइंट एट लेके तो करेक्ट आंसर आएगा नहीं लिए तो थोड़ा सा क्या करना है एप्रोक्स आंसर निकालना पड़ेगा बस तो यहां पे वी मैक्स देखो यहां पे दोनों का कैलकुलेशंस क्या हो रहा है और ये और ये मर रहे ना अरे ये टेंड्स टू 1a प्लस ये माइनस है मर गया तो ये होगा 120 120 अरे 11 का स्क्वायर होगा 121 तो 11 से पहले छोटा नंबर सबसे 11 से, से करीब-करीब नंबर यही है अरे एक ही नंबर कम है ना 121 सौ तो 11 निकालते 11 नहीं निकाल सकते इसलिए 10.84 शायद बच्चों आपने 9.8 करके करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी करेक्ट वैल्यू मिलेगी मैंने अप्रोक्स आंसर निकाला है बस खत्म किससे यार कितना इजी है ये ऑप्शन बच्चों आप लोगों को डायरेक्टली भी कर सकते थे यहां पर सोचो कि इनके पॉइंट कैसे शिफ्ट होते बस एक सौ का रूट क्या होगा यार नियर अबाउट को नंबर ये है बस निकालो यार यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके अब देखो बच्चों पांच नंबर का क्वेश्चन आज दिनेश सर क्वेश्चन मतलब सर ने भी दिनेश सर का लेक्चर कल मिलने वाला आप लोगों को ठीक है नहीं तो बच्चे के कमेंट्स आते सर दिनेश सर का लेक्चर कब होने वाला है सर और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बात कर रहे बच्चों हम लोग पक्के लेकिन मैथ्स और फिजिक्स होने ही वाला ही इस चैनल पर ठीक है कोशिश करते जोड़ने की लेकिन हम लोग दोनों फिजिक्स और मैथ्स कंप्लीट करके देंगे वो भी बहुत बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट में तो चलो बच्चों फिफ्थ नंबर का के तरफ आगे बढ़ते हैं देखो कार इज मुहिम एट स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आर में दिया है ठीक है इस बात को समझो ट्रेसिंग अ सर्कुलर रोड ट्रैक ऑफ रेडियस सिक्सटी मीटर द मिनिम कोइफिश ऑफ फ्रिक्शन स्कीडिंग ऑफ अ कार मतलब हमारी कार यहाँ पे स्कीडिंग नहीं होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखना है, ना। देखो, ये है ये हमारी गड्डी गड्डी घूम रही है से? बस ये बच्चों यहाँ पे इधर एक फोर्स लगेगा जो कि हमने कहा है कि आर, उसको सेंटरपिटल फोर्स कहते हैं और इधर जो फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है हमारा वो लगता है देखो टू या वी आर रखते है। है? लेकिन मुझे करना होता है तो 60 यहां पे 5 बाई एटीन हमेशा ध्यान में रखना मीटर पर सेकंड करना है तो 5 बाई एटीन से करना है बाकी तो फ्रिक्शन रेडियस भी दिया वाला है 60 मीटर है बच्चों फिशंस ऑफ फ्रिक्शन निकालना है मेरे ख्याल से तो इस फार्मूले को थोड़ा डेवलप करते हैं तो यू इज इक्वल टू म्यू एस एन लिख सकता हूं और एन कौन होता है बच्चों ऊपर वाला जो नॉर्मल है इसको एम जी को बैलेंस कर रहा है तो इसके जगह पे लिख सकता हूं मैं म्यू एस के की वैल्यू है मेरे पास एम जी इस बात को एन को बैलेंस कर रहा है बच्चों ठीक है ना इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर तो यम से यम से को मरवा दो मुझे निकालना है। निकालना स्टैटिक फ्रिक्शन है वी आर जी। और वी ये। तो है 60। लिखना पड़ेगा 60। यहाँ है 18 18। इतने नंबर कहां से लाए सर है बच्चों देखो सिक्सटी को दोबारा फाइव को दोबारा और एटीन को दोबारा बच्ची है, बात है आर आर है मेरे पास बच्चों मल्टीप्लाई जी जी की वैल्यू टेन लिखने के लिए बोला है तो ये सिक्सटीन से सिक्सटीन को मार दो बचे नहीं बच्चों देखो ये ओके सर और क्या कर सकते हैं ये ये जा पता है ना कैसे किया मैंने यहां पे देखो सिक्स फाइव और ये थ्री जा मतलब बच्चों मेरे पास मू ये बना है फाइव फाइव टी फाइव डिवाइडेड बाय यहां पे 56 ना 54 ठीक है यही आंसर दिया था मैंने ऑप्शन गलती से लिखने सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस हां सर आपकी गलती है पकड़ लिया हमने हाँ सॉरी सॉरी बोल रहा हूं भैया तो बच्चों कल आप लोगों को मेरा लेक्चर नाथ में दिनेश सर का मिलेगा फ्राइडे देखो हमने

डायरेक्टली लाइव कार्यक्रम कैसे ले सकते हैं कैसे नहीं उसकी भी हमारा प्लानिंग चलू मेरे और सर का तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे लेकिन शेयर होना बहुत जरूरी है लाइक करना है और न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना चलो थैंक यू एंड बेस्ट लप फॉर यूर स्टडी